नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान ने भारत को हराया है और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के तेवर भी कुछ बदल गए हैं। लगता है उन्हें जीत का नशा हो गया है। दोस्तों, ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं, आइए आपको समझाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत को लेकर बेहुदा बयानबाजी की है। उन्होंने दो मुल्कों के आपसी रिश्ते को क्रिकेट में जीत हार से जोड़ दिया है। इमरान ने कहा कि भारत से फिलहाल किसी भी तरह की बातचीत के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कल ही वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान के हाथों करारी हार मिली है। आपको बताएं दोस्तों कि गुरुवार को दुबई में टी20 विश्व कप के पहले ही मैच में भारत को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान इस वक्त सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर हैं। रियाद में उन्होंने पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। इस दौरान वे क्रिकेट को बीच में ले आए। खान ने कहा कि हमारे पड़ोस में दो बड़े देश और बाजार हैं। अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सकते हैं। खान ने आगे कहा कि चीन से हमारे बेहतरीन रिश्ते हैं, लेकिन किसी तरह भारत के साथ भी अगर हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं या हम उनके साथ अच्छे रिश्ते बना लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं जानता हूं कि रविवार रात हमने क्रिकेट में भारत को बड़ी शिकस्त दी है, लिहाजा इस वक्त बातचीत या रिश्तों में सुधार की बात करना गलत होगा। दोस्तों, इमरान खान ने फिर बताया कि दुनिया के लिए पाकिस्तान कितना अहम है और उसके बिना अफगानिस्तान में अमन बहाली नहीं हो सकती। साथ ही ये भी जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन कितनी टैलेंटेड है। खान कश्मीर का जिक्र करना भी नहीं भूले। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य मुद्दा कश्मीर है। हमें सभी पड़ोसियों की तरह रहना और इस मुद्दे को सुलझाना होगा। अगर वहाँ के लोगों को अधिकार मिल जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। भारत भी पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकता है। आपको बताएं दोस्तों कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने भी भारत पाकिस्तान मैच पर कमेंट किया। सोमवार को एक वीडियो में रशीद ने कहा कि आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से मैदान में नहीं खेल पाया। दरअसल वो देखना कहना चाहते थे लेकिन उनकी जुबान फिसल गई, इसलिए कहा कि मैं खेल नहीं पाया। आज हमारा फाइनल था और दुनिया के मुसलमानों समेत भारत के मुसलमानों के जज्बात पाकिस्तान के साथ थे। सारे आलम इस्लाम को फतेह मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। दोस्तों, भारत विश्व कप में पाकिस्तान के हाथों पहली बार हारा है। रविवार को टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में बनाया। कप्तान कोहली ने 57 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए शाहिन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए। 152 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान की टीम ने सलामी बल्लेबाजों मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बेहतरीन पारियों की बदौलत ये मैच भारत से 10 विकेट से जीत लिया। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।